कंगना रनौत ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के फैसले को लेकर कंगना रनौत ने इसे दुखद और शर्मनाक बताया है। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले देश की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को याद करते हुए कहा कि खालिस्तानी आतंकवादी आज भले ही सरकार का हाथ मरोड़ रहे हों, लेकिन एक महिला को मत भूलना। कंगना ने कहा कि एकमात्र महिला प्रधानमंत्री ने इनको अपनी जूती के नीचे कुचल दिया था। कंगना ने कहा कि खालिस्तानी आतंकवादी आज भले ही सरकार का हाथ मरोड़ रहे हों, लेकिन उस महिला को मत भूलना, एकमात्र पहली महिला प्रधानमंत्री ने उनको अपनी जूती के नीचे क्रश कर दिया था। उन्होंने इस देश को कितनी भी तकलीफ दी हो, उसने अपनी जान की कीमत पर उन्हें मच्छरों की तरह कुचल दिया, लेकिन देश के टुकड़े नहीं होने दिए। उनकी मृत्यु के दशकों बाद भी आज भी उनके नाम से लोग कांपते हैं। इनको वैसा ही गुरु चाहिए। आपको बता दें, दरअसल गुरु पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। शुक्रवार की सुबह पीएम मोदी ने घोषणा की थी कि केंद्र सरकार ने देश के किसानों के एक वर्ग के विरोध के बाद 2020 में संसद में पारित तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला लिया है। कानून वापसी को लेकर उन्होंने कहा था कि इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपीट करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। तो ऐसे में कंगना रनौत की तरफ से एक बार फिर से विवादित बयान सामने आया है, और ऐसे में आपको बता दें, इंदिरा गांधी को याद करते हुए उन्होंने ये बड़ी बात कही है।